हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और मेकअप का ट्यूटोरियल। तो शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप कि ये कैसे करना है। जैसे अभी आप देख सकते हैं मेरी आईब्रोज नहीं बनी हुई है, यू कैन सी। तो मैं इसको ही एक अच्छी सी शेप दूंगी बिना थ्रेड, विदाउट एनी प्लगर के, और इसका मेकअप करूँगी। तो आप रेडी हैं देखने के लिए? तो चलिए शुरुआत करते हैं स्टेप बाय स्टेप कि किस तरह करना है। लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपको ज़रूरत होगी एक इस टाइप की ब्रश की, जो नीचे से इस टाइप की शेप हो उसकी और फ्लैट हो, आप देख सकते हैं। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैं इस पर ब्लैक आई शेडो अप्लाई करूँगी, या आपके पास ट्राई काजल है आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, या आईब्रो वाला पेंसिल है उसको अच्छे से पहले रब करके उसके बाद इस पर लगा सकते हैं और अपनी आईब्रो पे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करती हूँ मैं। मेरे पास आई शेडो है ब्लैक, तो मैं उसको ही ट्राई करूँगी। तो आप देखिए किस तरह ट्राई करना है। ज़्यादा क्वान्टिटी में नहीं लेना है, सबसे पहले एक बार इसको इस तरह लगाने के बाद अपने हाथ पे स्मच करना है ताकि ये ज़्यादा डार्क ना हो, ठीक है। तो देखिए मैंने सबसे पहले लेना है इस शेप में, एक बार में लाइन चलाएंगे, आप लाइन को रोकेंगे नहीं जब भी आप इसको ड्रा करेंगे अपनी आईब्रो को। सेकंड यहाँ से आप ड्रा करेंगे, देखिए आप देख सकते हैं। ड्रा करने के बाद इस तरह आप इसको फिल कर देंगे। तो अभी आप देख सकते हैं इसमें और इसमें काफ़ी फ़र्क है, लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं हुई है जैसा कि आप देख सकते हैं, आपको लग रहा है, बट इसमें अभी बहुत फ़र्क करना बाकी है। देखिए आप देख सकते हैं पहले से काफ़ी अच्छी शेप है ये, देखिए आप इसको और इसको देखिए, लेकिन अभी भी ये कंप्लीट नहीं है। तो हमारा सेकंड स्टेप होगा कि आपको फाउंडेशन लेना है, ठीक, कोई फाउंडेशन हो। उसके बाद आपको एक इस तरह का ब्रश लेना है, आप देख सकते हैं वो क्रॉस शेप में था, ये फ्लैट है। उसके बाद आप फाउंडेशन को इस ब्रश पे अप्लाई कर लेंगे और अपने हाथ पर स्मच करेंगे। हाथ पर स्मच करना इसलिए ज़रूरी है कि डायरेक्ट लाएंगे तो बहुत केकी सा लगेगा, और ये यहाँ पे आपको एक बार में ही लेना है, आपको बार बार नहीं करना है इसको, एक बार में ही लेना है। बार बार इसको हटाएंगे लगाएंगे तो शेप में भी अच्छी ना आए, बिगड़ सकती है। और सेकंड ये देखिए यहाँ से मैंने लगाया और ये इस तरह का देखिए शेप ठीक आई है, बट इसको थोड़ा सा और सेट करना है, आप देखिए। तो आप देख सकते हैं मैंने दोनों आईब्रो थी उनको सेट कर लिया, वो इस तरह की लग रही है। फर्स्ट स्टेप इज आपको ये अपना फिल करना है आईब्रोज को, उसके बाद फाउंडेशन लेना है और शेप देना है फाउंडेशन से। उसके बाद आप अगर थ्रेड भी करवाते हैं उसके बाद भी आपकी आईब्रो बहुत अच्छी दिखेंगी। तो आइए थर्ड स्टेप स्टार्ट करते हैं, उसके लिए हमें क्या करना है। उसके लिए ब्रश लेना है हमें वही वाला, और कोई डार्क शेड आप अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये आईज़ का कॉर्नर है वहाँ टैप टैप करना है आपको दो तीन बार, उसके बाद ऐसे सर्कुलर मोशन में ऐसे इसको अंदर की साइड करना है, देखिए आप इस तरह। आप बहुत जल्दी ना करें, थोड़ा धीरे धीरे करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, देखिए आप देख सकते हैं। ऐसे ही मैं सेकंड वाली आई करूँगी, यहाँ मैंने रखा इसको इस जगह, यहाँ नहीं रखना आपको, यहाँ रखना है एकदम, और इसको ऐसे ही सर्कुलर मोशन करना है, और देखिए आप देख सकते हैं वो। इसके बाद आपका जो आईज का ऊपर वाला पोर्शन है वो किस इस तरह दिखेगा, देखिए आप देख सकते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, फाउंडेशन लेना है जो आपके पास हो, या कोई भी लाइट आई शेडो हो आप उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं फाउंडेशन लेती हूँ क्योंकि अच्छे से पेस्ट हो जाता है, एक बार टैप टैप करेंगे अपने हाथों पर। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करना है आपको, और बहुत नीटली आपको इस तरह से लेना है अपने आईब्रो पर इस तरह। ऐसे ही हमें सेम प्रोसेस में दूसरी वाली आंख में करना है। देखिए अब देखिए मैंने ग्रीन कलर का आई शेडो है उसको लिया है, और इस तरह जैसे मैंने लिया था ना, थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में लेंगे और इस तरह अपने आईब्रो पर, आईब्रो नहीं सॉरी आईब्रो पर अप्लाई करना है आपको।
आप देख सकते हैं अभी किस प्रोसेस से लग रहा है। देखिए आप, पहले मैं आपको एक एक करके दिखा देती हूँ कंप्लीट। देखिए कुछ इस तरह लग रहा है। फिर मुझे ग्रीन का डार्क शेड लेना है, इसका जो कॉर्नर है उस पर मैं अप्लाई करूँगी डार्क शेड। देखिए देख सकते हैं कॉर्नर में डार्क ग्रीन, उसके बाद लाइट ग्रीन, और उसके बाद आप दिखाते हैं आपको क्या करना है। ये देखिए मैंने इस तरह कर लिया, आप देखिए देख सकते हैं कि इस तरह का हुआ है ये। अभी हमें लाइट लेना है, एक शेड स्किन कलर मैंने लिया है और उसको मैंने यहाँ अप्लाई किया है स्टार्टिंग में, ताकि ये शेड बहुत अच्छी तरीके से दिखे और पता चले कि मैंने मेकअप किस तरह का किया है अपनी आईज पे। आप देख सकते हैं कि कैसा लग रहा है ये। आप मैं लूँगी स्पार्कल वाला ग्रीन शेड, ज़रूरी नहीं आप ग्रीन लें, आप कोई भी आपके पास हो शेड वो अप्लाई कर सकते हैं। मेरे पास है अभी ग्रीन शेड, तो मैंने स्पार्कल वाला वही लिया है उसके ऊपर अप्लाई करने के लिए, ताकि ये थोड़ा शाइन करे। और हमेशा आप याद रखें, जब भी आप स्पार्कल वाला आई शेडो यूज़ करें, स्पार्कल वाला शेड, तो आप केवल उसको अपने आई बॉल के ऊपर ही अप्लाई करें। देखिए इस जगह पूरी आईज पे ना करें, ताकि ये अपनी आपकी आईज को हाईलाइट करें और पता चल सके आपको किस तरह का ये दिख रहा है। आप देखिए अभी मैं जिसका ग्रीन वाला शेड है डार्क ग्रीन शेड, उसको अपने आईज के कॉर्नर में अप्लाई करूँगी। ऐसे इस साइड करूँगी अप्लाई, आप देख सकते हैं। उसके बाद जो लाइट वाला शेड है तो उसको मैं यहाँ करूँगी अप्लाई, बहुत ज़्यादा नहीं करना आपको। देखिए आप देख सकते हैं, देन स्पार्कल, यहाँ यूज़ करूँगी मैं, आप देख सकते हैं, यू कैन सी, एंड गोल्डन शेड हल्का सा यहाँ करेंगे अगर आप चाहें तो, थोड़ा ऐसे उसको और हाईलाइट करने के लिए। देखिए आप देख सकते हैं। इसके बाद मुझे क्या करना है, मस्कारा लेना है, अप्लाई करूँगी मैं मस्कारा को। आईलैशेस भी आप यूज़ कर सकते हैं, आप चाहते हैं कि आईलैशेस कैसे लगता है इसका वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं आपको बताऊँगी कि उसको आप कैसे बहुत ही ईजी तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने कर लिया, मैं काजल को अप्लाई करूँगी। मैं पूरी यहाँ पर काजल को नहीं लगाती, कॉर्नर पे काजल को अंदर की साइड फिल करती हूँ, बाहर आई शेडो या फिर आप ठाई वाला जो काजल आता है उसको यूज़ कर सकते हैं, कलरफुल भी आपको मिल जाएगा। ये ऊपर वाला अंडर आई है उसमें अंदर मैं अप्लाई करूँगी। देखिए बहुत अच्छा लुक आया। इसके बाद मैं आई लाइनर लगाऊंगी, तो आप देखिए सबसे पहले आप ये कॉर्नर पे निकालिए इस तरह, देन ये, उसके बाद ये लाइन को लेकर आपको ऐसे मिला देना है। देख सकते हैं आप इस तरह, सो आप देख सकते हैं कि मेरी आईज का मेकअप कैसा हुआ है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप एक बार ट्राई ज़रूर कर सकते हैं, ये बहुत ही इजी मेथड है अप्लाई करने का। देखिए, और आप फिर चाहते हैं ये शेप बहुत अच्छी और निकल के आए तो एक बार आप ले सकते हैं ब्रश और जो आपका वाला पोर्शन है आप आई शेडो अप्लाई कर सकते हैं, आई शेडो ना सॉरी फाउंडेशन अप्लाई कर सकते हैं। आप मेकअप करेंगे तो शेप दे ही लेंगे इस तरह। देखिए दिखाती हूँ मैं आपको कैसा लगेगा। सो फ्रेंड, आई होप कि आपको हमारा ये आईज वाला मेकअप ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसके लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप अगर चाहते हैं कि हमारे चैनल की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले तो इसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आप देख सकते हैं बहुत ही अमेजिंग लुक आएगा, आप अगर ये ट्राई करते हैं एक बार आप ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही ईजी मेथड है। आप इसको थोड़े सब्र के साथ करेंगे तो बिल्कुल डेफिनेटली आप इसको ट्राई कर लेंगे, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है ये।
कि आप ना कर पाएँ अपने आईब्रोज़ को सेट और ना कर पाएँ आईज मेकअप। बहुत ही इजी तरीका है, आप एक बार ट्राई ज़रूर करें। सो बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू, जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि।